जी विजय, जिस तरह से इस पूरे मामले में एक आरोपी को पुलिस ने ढेर कर दिया है, दूसरे आरोपी की अभी भी तलाश जारी है, कई तरह की चर्चाएं निकलकर सामने आ रही हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी है, क्या वजह अभी तक निकलकर सामने आ रही है? देखिए, अगर हत्या की वजह की बात की जाए तो अभी तक कोई वजह ऐसी सामने नहीं आई है जिसके लेकर के हत्या की गई है। हालांकि देखिए, बताया जाता है कि जिस तरह से जो हत्या आरोपी थी, मात्र 20 मीटर की दूरी पर रोड के इस पार देखिए संगीता ब्यूटी पार्लर था, जो बच्चे खत्म हुए हैं उनकी माँ पार्लर चलाती थी। मैं उस घर पे खड़ा हूँ, कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो घर की तरफ दिखाए। और जो बच्चों की जो जिस तरह से देखिए निर्मम हत्या कर दी गई और अभी तक कोई वजह साफ नहीं हो पाई है। जी बिल्कुल, तो इस पूरे मामले में जिस तरह से डबल मर्डर को लेकर अभी पुलिस के द्वारा छानबीन जारी है, इलाके की बात की जाए तो इलाके में लोगों का क्या कुछ कहना है और कितनी सुरक्षा व्यवस्था वहां पर इस घटना के बाद की गई है? प्रशासन तो अलर्ट है, सुरक्षा व्यवस्था पुलिस ने जो है पूरा तरफ से सुरक्षा कर रखी है। और बाकी अगर बात की जाए सुरक्षा की, तो पुलिस ने घर के चार तरफ देखिए फोर्स लगा हुआ है, तमाम तरह की सुरक्षा है। और मैं उस घर को दिखाना चाहूंगा जहां हत्या हुई थी और इस तरह से देखिए साजिद जावेद ने हत्या कर दी। हालांकि पुलिस ने एक आरोपी जो था जिसके लिए ढेर कर दिया है और एक की जो है अभी तलाश में जो टीमें जुटी हुई है। जी बिल्कुल, तो इस पूरे मामले में आसपास जो लोग खड़े हुए हैं, मैं चाहूंगी उनसे भी आप बातचीत करें कि इस घटना के बाद क्या कुछ माहौल है, क्या उन्हें महसूस हो रहा है और इसके पीछे की वजह को लेकर क्या कुछ जानकारी है उनको? जी बिल्कुल, देखिए हमारे साथ जो बच्चे खत्म हुए हैं उनकी दादी माँ है, उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि क्या है कि परिजन अभी कुछ बोलने में नहीं है। और देखिए पुलिस की अगर बात की जी विजय, तो आसपास खड़े लोगों से आप बातचीत कर सकते हैं, क्या कुछ महसूस कर रहे हैं, किस तरह का माहौल है इस घटना के बाद? क्या आप कहेंगे इस घटना से आप? देखिए हालांकि जो यहाँ पे स्थानीय लोग हैं, पड़ोसी हैं, उनका कहना है कि ऐसा तो किसी तरह से पहले से कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया था जिसको लेकर के पहले किसी तरह की रंजिशन हो। हालांकि जो हत्या हुई है उसके पीछे क्या कारण है अभी तक कोई वजह सामने नहीं आई है। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपके बैकग्राउंड में हम देख पा रहे हैं काफी भीड़ है यहाँ पर, पुलिस की यदि बात करें और बच्चों की यदि बात करें तो बच्चों का क्या अंतिम संस्कार हो चुका है? हाँ देखिए, जिस तरह से पोस्टमार्टम के बाद बच्चों का शव जो है परिजनों को सौंप दिया गया था, परिजन उसे काचला गंगा घाट पर अंतिम संस्कार के लिए लेकर के निकल गए हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, चुनावी माहौल भी है और ऐसे में इस तरह की घटना का होना, पुलिस की सुरक्षा की यदि बात की जाए तो किस तरह की सुरक्षा है और आगे भी किस तरह की सुरक्षा बरकरार रहेगी? देखिए पुलिस की अगर बात की जाए, देखिए पुलिस प्रशासन लगातार सुरक्षा, देखिए मेरे पीछे, मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा पीछे दिखाया कि पुलिस की इस तरह से देखिए सुरक्षा में तमाम फोर्स तैनात कर दिया गया है और चुनावी माहौल एकदम देखिए शांति व्यवस्था बनाने के लिए आला अधिकारी भी लगातार जो है जनता से गुजारिश कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि जिस तरह से देखिए किसी तरह का बवाल ना हो। और काम जिस तरह से देखिए घटना के बाद जो यहाँ की भीड़ थी उतने उग्र होकर के आगजनी कुछ की थी और तमाम बवाल किया था, इसके बाद पुलिस प्रशासन ने मोर्चा संभाला था। हालांकि महानिरीक्षक बरेली जोन भी मौके पर पहुंच गए थे और सभी लोगों से तब से लेकर के प्रशासन लगातार शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील कर रही है। जी बिल्कुल विजय, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।